एक बार दोबारा शादी करी है तो फर्स्ट ट्रिप हमारा यहीं का है। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि बर्फ यहाँ मिलेगी, हमें लगा था ऊपर पटनीटॉप पे मिलेगी, यहाँ मिली, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हमने बर्फ देखी गिरते हुए और इतना अच्छा लगा, जो जितना एंजॉय हम कर चुके बहुत बहुत मजा आया हमें। और हमें गंडोला राइड्स का भी पता लगा तो हमें गंडोला राइड्स की देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। ये बताएं कि नॉर्मली बर्फ जो है वो गिरते हुए देखना भी एक किस्म अपने फर्स्ट टाइम हमने देखा, बहुत अच्छा लगा कि हमने बर्फ देखी। हमारा मतलब शादी के बाद का फर्स्ट ट्रिप अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबने बर्फ देख ली, बहुत अच्छा लगा। जम्मू के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट पत्नीटॉप में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है और सैलानी जो है दूर दूर से पत्नीटॉप विजिट कर रहे हैं और पत्नीटॉप में बर्फबारी का नजारा ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर काफी बर्फबारी हुई है और जम्मू और कश्मीर सभी टूरिस्ट स्पॉट के अंदर जो है बर्फ की चादर ओढ़ ली गई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि टूरिस्ट जो है दूर दूर से स्पेशली आ रहे हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जम्मू व कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट पे आए और आकर बर्फबारी का मजा लें और जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों का भी मजा लें। पत्नीटॉप के अपने दृश्य देखे कि किस तरह से सैलानी यहां पर जो है मजे ले रहे हैं और अभी फिलहाल काफी ज्यादा बर्फबारी है जम्मू के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उनके अंदर। आप पत्नीटॉप, भद्रवाह, डोडा और कश्मीर के जितने भी इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई। आप आइए और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का मजा लीजिए। जो कई लोग कश्मीर और जम्मू के खिलाफ गलत धारणा बनाते हैं और गलत चीजें
आप लोगों तक पहुंचाते हैं। उन लोगों को आप ये वीडियो दिखा सकते हैं और हालात बिल्कुल सामान्य है। आप लोग आइए, बर्फबारी का मजा लें और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का मजा लें। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए जय हिंद।